हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एजुकेशनल प्रिंसिपल में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे, कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स पर बातचीत करना है और उसी कड़ी में आगे हम बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स जो कि आपके सिलेबस में रखी गई हैं और देखते हैं। फोर पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेज एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। आइए डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सबसे पहला काम कह रहा है कि एक स्क्वायर ए बी सी डी, तो एक स्क्वायर हम लोगों ने ड्रा किया, ये आपका एक स्क्वायर है। ये आपका एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, और चार्जेस दिए हुए हैं। ए पर चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, बी पर चार्ज दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम एंड सी पर दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम और डी पर दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम। आपसे पूछ रहा है कि साइड जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब किसी भी स्क्वायर का सेंटर डायगोनल्स को यदि हम आपस में मिलाएं, तो डायगोनल्स को आपस में यदि मिलाया जाए तो उनका जो ये पॉइंट जो होगा, ये डायगोनल, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा। और ये 10 सेंटीमीटर है तो डायगोनल्स आपको 10√2 मिलेगा। तो इस पॉइंट ओ पर यहां पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज एक प्लेस कर दिया गया है और आपसे अब कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस सेंटर पर कितना फोर्स ऑन चार्ज, टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना मिलेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर +2 माइक्रो कूलम है, यहां पर 1 माइक्रो कूलम है। आपको हमने बताया था चार्जेज यदि पॉजिटिव चार्जेज है तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा और इधर फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो एफ ए होगी। इस पॉइंट पर इन की वजह से एफ ए, और यहां पर यदि बी की वजह से, यहां पर -5 माइक्रो कूलम है, प्लस ये प्लस का 1 माइक्रो कूलम है, यहां पर फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इस पर फोर्स जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एफ बी मिलेगा, एफ बी मिलेगा। और इसी तरह से इस सी पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर 1 माइक्रो कूलम, यहां पर 2 माइक्रो कूलम, तो यहां पर दोनों जगह पॉजिटिव, तो यहां पर भी रिपल्शन मिलेगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड होगी और ये एफ सी होगा। और यहां पर यदि आप कैलकुलेट करें इस डी की वजह से, इस डी की वजह से यदि आप देखें तो माइनस है और यहां पॉजिटिव है, तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इस अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो एफ डी होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स
आपको बताना है फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ वन माइक्रोकूलम प्लेट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इस पॉइंट ओ पर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ए की वजह से रिपल्शन, बी की वजह से अट्रैक्शन, सी की वजह से रिपल्शन और डी की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है। तो यदि टोटल रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो आप यदि एफ ए, एफ बी और एफ सी और एफ डी यदि निकालें तो लिखा जाए देखिए यहां पर यदि आप देखें तो सबसे पहला काम आपका होगा यदि एफ ए लिखें तो एफ ए जो होगा वो लिखा जाएगा के अब टू माइक्रोकूलम टू इंटू माइक्रोकूलम इंटू वन माइक्रोकूलम अपॉन ये ओ ए का स्क्वायर और इसी तरह से एफ सी लिखा जाए तो आपको देखिएगा एफ सी लिखा जाए तो यहां पर भी आपको यही मिलेगा के वन माइक्रो टू माइक्रो कूलम इंटू वन माइक्रो कूलम इंटू अपॉन ओ सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। तो इसी तरह से एफ ए और एफ सी डायरेक्शन अपोजिट है तो एफ ए और एफ सी जो है आपस में बराबर है लेकिन इनकी क्या है डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो एफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी लिख सकते हैं। इसी तरह से एफ वी और एफ डी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो एफ वी जो होगा माइनस ऑफ एफ डी के बराबर होगा। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स यदि एफ टोटल रिजल्टेंट फोर्स यदि हम लिखें रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ओ तो क्या लिखा जा सकता है एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी और दिस कैन बी रिटेन एज एफ ए किसके बराबर है माइनस ऑफ एफ सी। तो एफ ए और प्लस एफ बी अब यहां पर हम लोग एफ ए एफ सी की जगह क्या रखेंगे माइनस ऑफ एफ ए लिख दीजिए और एफ डी की जगह माइनस ऑफ एफ बी लिख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा क्या मिलेगा हमेशा यदि चार्जेज आपके इस तरह से दिए हुए हैं तो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स आपको जीरो मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रॉब्लम को और दूसरी तरह से टैकल किया जा सकता है यदि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए एफ बी और एफ सी का रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो इधर मिलेगा और इसका निकाला जाएगा तो इधर मिलेगा एफ ए और एफ डी भी आपस में बराबर होंगे तो रिजल्टेंट ये ऊपर फोर्स लग रही है एक नीचे फोर्स लग रही है आपस में बराबर होंगी फोर्सेस और ये न्यूट्रलाइज कर देंगी जिस तरह से यहां पर ओ पॉइंट पर क्या मिलेगा रिजल्टेंट जीरो मिलेगा। आइए इसी कड़ी में कुछ बातचीत और करते हैं आपसे। देखिए कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यदि
दो चार्जेज सेम चार्जेज हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान लीजिए इस पॉइंट यहाँ पर क्यू और क्यू चार्जेज आपस में रखे हुए हैं और आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इस एट चार्ज हम इस इन दोनों के बीच में कहां पर रखा जाए कि इक्विलिब्रियम जो है वो बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम रहे। तीसरा पॉइंट कहां पर हम लें इस इन दोनों के बीच में कि इक्विलिब्रियम क्या रहे, बैलेंस्ड रहे, और उस पर वैल्यू क्या होनी चाहिए चार्ज की। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस पॉइंट पर तो सबसे पहला काम होगा कि इसके सेंटर पर यदि कोई चार्ज रखा जाएगा और वो चार्ज कितना होगा, वो सेंटर पर आपको चार्ज रखना होगा तभी बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि ये R है और ये R by 2 हो जाएगा। यहां पर ये R by 2 हो जाएगी डिस्टेंस, और यहां पर यदि कोई चार्ज आप हो, यदि यहां पर चार्ज आपको कौन कैसा चार्ज लेना होगा, यहां पर चार्ज जो भी आप चार्ज लेंगे न्यू चार्ज जो होगा, यदि यहां पर Q डैश यदि कहें तो वो चार्ज जो होगा वो ध्यान दीजिएगा हमेशा माइनस में लेना होगा, क्योंकि जो फोर्स यहां लगेगी और एक फोर्स यहां पर भी लगे तो ये आपस में क्या करें, बैलेंस कर लें। तो हमेशा याद रखिएगा इस चार्ज की वैल्यू जो होगी वो क्यू डैश की, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो माइनस इस चार्ज सेम है तो क्यू बाई फोर ये आपको लेना होगा, और यदि यहां पर और कहां पर सेंटर सेंटर पर आपको सेंटर पर आपको चार्ज रखना होगा, सेंटर पर आपको चार्ज रखना होगा। इस तरह से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दो चार्जेज यदि आपस में बराबर हैं और आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तीसरा चार्ज हम इनके बीच पे कहां पर रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, और उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी जो चार्ज आपको पुट करना है ताकि सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उस चार्ज की वैल्यू ये होगी माइनस क्यू बाई फोर, और सेंटर पर आपको रखना होगा ताकि जो फोर्स यहां पर आपको मिलेगी, यहां पर फोर्स मान लीजिए ये ए है और ये बी है, यदि यहां पर फोर्स ए एफ ए कहें और यहां पर फोर्स एफ बी, चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा और यहां पर भी अट्रैक्टिव, और ये आपस में बैलेंस कर लेंगे तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रैकल करके दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा याद रखिएगा, यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल दूं, यहां पर देखिए, यहां पर इस बार मैंने यहां पर ये क्यू चार्जेज है और यहां पर मैंने एन क्यू कह दिया है। अब ये एन की जगह कुछ वैल्यू भी हो सकती है, और इस पॉइंट कहां पर रखा जाए एक नया चार्ज जो सिस्टम को इक्विलिब्रियम, ये मान लीजिए आर डिस्टेंस पर है, क्या है आर डिस्टेंस पर है, इसको थोड़ा सा डायग्राम, ये आर डिस्टेंस पर, यदि आप ये आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंसेस पर रखे गए हैं और आपसे कहा जाए कि इस सिस्टम के बीच में कहां पर हम रखें कि ये इक्विलिब्रियम में, ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, तीसरा एक नया चार्ज हम लोग कहां पर रखें इनके बीच में कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो इसको कैसे टैकल करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, और मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर हम यहां पर एक्स डिस्टेंस पर यहां से, तो एक्स डिस्टेंस पर यदि आप इस एक्स डिस्टेंस पर लेते हैं तो ये डिस्टेंस जो होगी वो आर माइनस एक्स होगी। अब यहां पर कोई नया चार्ज जो होगा वो मान लीजिए
ओ पॉइंट पर आप क्यू डैश रख रहे हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और क्यू डैश क्या होगा वो यदि आपको फाइंड आउट करना है, तो बहुत डायरेक्ट मैं आपके सामने फॉर्मूले लेकर आ रहा हूं। ये बहुत रिजल्टेंट निकाले गए हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपके सामने मैं आप रख कर बैलेंस करके रख कर सकते हैं और उसको भी मैं आपके सामने करके दिखा सकता हूं। पहले मैं आपको जो एग्जाम में हिट आपको करने होंगे बहुत कम टाइम में, और उस जगह आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर करना होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी आर अपॉन, याद रखिएगा आर अपॉन, आर जो वैल्यू आपको दी हुई है आर अपॉन वन प्लस रूट एन, याद रखिएगा आर अपॉन वन प्लस रूट एन। और इसी तरह से क्यू डैश की जो वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा क्यू डैश की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ एन इंटू क्यू अपॉन अपॉन वन प्लस रूट एन का होल स्क्वायर, वन प्लस रूट एन का होल स्क्वायर, ये आपको वैल्यू रखना होगा। अब ये क्वेश्चन और भी कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर आपको क्यू दिया हुआ है, यहां टू क्यू दे दिया गया है और क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए कि इस इन दोनों के बीच में कहां पर चार्ज रखा जाए, और मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट आपको मैंने लिंक दिया है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले पर आप यूज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। हिट द मेथड है और इसको आप यूज करिए और आंसर सॉल्व करके बताइए। आइए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आता हूं। देखिए ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। यदि दो चार्जेज हैं, यहां पर यदि 2q है या q कह लीजिए और यहां पर 4q है और ये आपस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो आपसे मैं पूछूं कि यदि तीसरा पॉइंट कहां पर लिया जाए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो मान लीजिए मैंने कहा कि आप ओ पॉइंट पर यदि रखिए और इस डिस्टेंस को मैंने कहा एक्स, तो ये होगी 10 माइनस एक्स, तो आप दोनों चार्ज से निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहां पर आप देखेंगे, एक्स इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 अपॉन 1 प्लस अब रूट एन, एन की वैल्यू कितनी है रूट 4 है, दिस विल बी 10 अपॉन 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 दिस विल बी 10 बाई 3 और ये मिलेगा 3.33 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब यहां पर आप क्यू डैश की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ एन क्यू दिस विल बी 4 इंटू क्यू अपॉन 1 प्लस रूट एन, 1 प्लस रूट एन की जगह आप रखिए कितना है एन, दिस विल बी 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 क्यू और ये मिला आपको 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और दिस विल बी माइनस 4 बाय कितना आएगा 9 इंटू क्यू, ये आपको मिलेगा। तो इस तरह के एग्जाम में कई बार प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और डायरेक्ट आपको मैंने मेथड्स बताए हैं और आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया है और इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज यहीं पर हम लेक्चर को दाइन करेंगे और अगले लेक्चर्स में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। वैल्यूम इसके 3-4 वैल्यूम आपको मिलेंगे, अभी ये सेकंड वैल्यूम था, 2 वैल्यूम और लेकर आऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड, जो क्वेश्चन ट्रेंड में है उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।
कंटेंट यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।